राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली आईआईटी देश का गौरव है, इसके छात्र हर क्षेत्र में अग्रणी है। राष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली आईआईटी ने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च स्तर को बरकरार रखा है। इस अवसर पर उन्होंने जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने आज आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुमार आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईआईटी दिल्ली को वर्ष 2018 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी दिल्ली के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, आईआईटी दिल्ली देश का गौरव है। राष्ट्रपति ने कहा, आईआईटी दिल्ली ने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च स्तर को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, अमृतकाल में आईआईटी दिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। द ग्लोरियस पास्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट गिव्स अस एन एश्योरेंस दैट इट विल प्ले ए क्रूशियल रोल इन द फ्यूचर एज इंडिया एंटर्स द अमृतकाल बाय 2047 when we will celebrate the centenary of independence, the world around us will have changed drastically thanks to the fourth industrial revolution. Just as we were in no position 25 years ago to imagine the contemporary world, we cannot visualize today how artificial intelligence and automation are going to transform life. 2047 तक आने वाले 25 साल में अमृत काल में हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 की अंतिम तक देश में 5G इंडिजेनस टेक्नोलॉजी से 5G को रोल आउट करेंगे। 5G के कारण देश की शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उसकी एक ही उदाहरण है, आज दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन की 40% कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों ने दिया है, उसमें आईआईटीओं की अवदान अतुलनीय है।